एक्शन वाले शेयर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किरण जाधव डॉट कॉम की किरण जाधव। किरण जी स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत निफ्टी के साथ करेंगे, हमने देखा है कि फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर कारोबार कर रहा है। 10,793 इसका आज का इंट्राडे हाई है, थोड़ी देर पहले ही बना है और वहां पर जाकर एक ठहराव सा हो रहा है। उम्मीद क्या है आपको, क्या 10,800 आज पार करेंगे और पार करेंगे कि तो क्या टिकेंगे, कैसे साइंस मिल रहे हैं? देखिए ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, दिन भर छोटे छोटे करेक्शंस के बाद एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिल रहा है। पर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो इस वीकली एक्सपायरी का अगर डेटा देखते हैं तो 10,800 में करीबन 29 लाख के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने अभी है और उसमें से 14 लाख अभी अभी आज सवेरे से बनते नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बैरियर रहेगा। ऑन द लोअर साइड 10,700 के पुट ऑप्शंस में 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और करीबन 28 लाख के कॉल पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो कुल मिला के 10,800 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। ये अगर क्रॉस करता है अगले एक घंटे में तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, पर प्रोबेबिलिटी मुझे अभी लो लग रही है। काफी दिन भर कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहा है, आपका इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा सपोर्ट के तौर पे वो रहेगा करीबन 10,760। इसके नीचे जाता है तो मुझे मेरा मानना है कि 10,730 और 10,750 ये दरमियान में आपका एक्सपायरी होने की संभावना बहुत बनती नजर आ रही है। ठीक है, तो निफ्टी पर ये स्ट्रेटजी, ये लेवल आप ध्यान में रखिए। लेकिन कल हमने और भी बड़े ब्रोकर कॉरपोरेशन बैंकों, खासतौर से इन दोनों बैंकों में अच्छी तेजी है, लेकिन क्या आपको पीएसयू बैंक में कुछ भरोसा जम रहा है? अगर भरोसा कहीं है तो कौन से स्टॉक्स आपके निशाने पे हैं? देखिए अच्छे न्यूज के बाद एक बहुत बड़े गैप से खुला अलाहाबाद बैंक और उधर से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली है, तो ऊपर से थोड़ा सा हल्का होता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। अब पिछला अगर स्विंग हाई देखते तो 49 का था, आज का हाई करीबन 48.50-48.60 का देखने को मिल रहा है, तो 48 से 49 का लेवल ये 1 रुपए का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस करना बहुत इजी नहीं होगा, तो जब तक इसके नीचे तब तक मेरा मानना है कि अवॉइड करना चाहिए। पर जिनके लॉन्ग पोजिशन है उनके लिए 45 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा और शॉर्ट पोजिशन है तो उनके लिए 49 का स्टॉप लॉस रहेगा, 49 के ऊपर मैं काफी बुलिश हो जाऊंगा इस स्टॉक पे। ठीक है, इलाहाबाद बैंक 49 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आज बैंक में 500 रुपए पार करेगा क्या शेयर ये? हाँ करना चाहिए, जिस तरीके से कल भी हमने रेकमेंड किया था टाटा स्टील एक स्ट्रॉन्ग बाय था और इधर मेरा मानना है कि आपको पहले टारगेट्स करीबन 506 के देखने को मिल जाने चाहिए, वो कल सवेरे तक देखने को मिल जाने चाहिए, पर इवेंचुअली ये स्टॉक करीबन 524 से 25 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है, तो काफी अच्छी अपसाइड है। जो लॉन्ग पोजीशन से उनके लिए मेरा स्टॉप लॉस 491 का रखने की सलाह होगी। ठीक है, 491 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी तेजी की पोजीशन बनाए रखिए और 506 रुपए तक ये स्टॉक्स यहाँ से जा सकता है, तो यहाँ से करीब करीब 7-8 रुपए की ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से गुंजाइश अभी काफी अच्छा स्टॉक है। लेकिन आप बताइए यहां से भी कितना पोटेंशियल है, कितना अपसाइड अभी और दिख रहा है आपको? ब्रिटानिया अच्छा करेक्शन हो चुका है और 2900 से जो निकला है मेरा मानना है कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो करीबन आता है 3070, तो इधर से और 70 रुपए तो आजकल में ही देखने को मिल जाने चाहिए, पर अगर 3-4 दिन देते हैं तो मेरा मानना है कि 3200 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो अभी ये खरीद की गुंजाइश है अभी टेक महिंद्रा में? मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें भी हमने 2 दिन पहले एक बाय कॉल रिकमेंडेशन दी थी और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है मेरा मानना है कि आउट परफॉर्मेंस तो देखने को मिल जानी चाहिए। ये एक नो रेजिस्टेंस जोन में जब स्टॉक चलता है तब एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है, ऐसे ही एक काउंटर है जो कि इसके पहले ये लेवल्स कभी देखने को नहीं मिले थे, तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी कहते हैं। मेरा मानना है कि अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 820 का रखना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, आपको 845-850 के लेवल्स अगले 1-2 सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो टेक महिंद्रा पर ये व्यू आपको 850 तक का वक्त बचा है, आप कौन से 2 शेयर आप सुझाएंगे तेजी के लिए या फिर मंदी के लिए? देखिए 2 काउंटर्स जिसमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है वो है टाटा स्टील, पहला काउंटर जहां पे हमने थोड़ी देर पहले बात की,
इधर मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 495 का, और टारगेट के लिए जैसे मैंने कहा था 506-507 रुपए पहले आ जाने चाहिए, और कल तक के लिए टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 515-520 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा काउंटर रहेगा बजाज फाइनेंस, इधर भी मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न उभर के निकल के आ रहा है, एक अच्छे कंसोलिडेशन के, पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन टॉप से उसको इसने आज जान दिया है, तो मेरा मानना है आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 2610-2634 पे ट्रेड कर रहा है, और टारगेट्स के लिए मैं मान के चले कि 2060 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ये प्योरली इंट्राडे के लिए आज के लिए ट्रेड्स रहेंगे। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील इन दो शेयरों में ट्रेडिंग के लिए आपके मौके बनेंगे। शुक्रिया किरण जी शेयरों पर चर्चा करने के लिए और हमें ट्रेडिंग की रणनीति सुझाने के लिए। और यहाँ पर मार्केट रडार में ही समेटेंगे छोटा सा ब्रेक।